अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट लेते हैं मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 10th पार्ट से, जिसमें एक लीनियर इक्वेशन है एक्स बाई 3 माइनस 7 इक्वल टू 2। इस इक्वेशन का आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, मीन्स कि आपने यहाँ पर यह जो अननोन क्वांटिटी एक्स आपको नज़र आ रही है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, आपने इक्वेशन को राइट कर लिया, इसके बाद आपने क्या करना है? जब आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने इक्वेशन को अगेन राइट करना है एक्स बाय 3 माइनस 7 इक्वल टू 2। अब आपने इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पर ये माइनस 7 है, राइट हैंड साइड पर मूव करेगा तो ये क्या बन जाएगा? प्लस 7। तो इसे किस तरह से राइट किया जाएगा? एक्स बाय 3 इक्वल टू 2 प्लस 7, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक्स बाय 3 लेफ्ट हैंड साइड पर एज इट इज़ रहेगा, आपने 2 और 7 को ऐड कर देना है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 9। अब आपको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, 3 यहाँ पर नहीं चाहिए, ये लेफ्ट हैंड साइड पर x से डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पर मूव करेगा तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किस तरह से राइट किया जाएगा? x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 27। 9 3 = 27। तो ये इस इक्वेशन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 13 क्वेश्चन यहाँ पर है, और जिसमें आपको एक लीनियर इक्वेशन नज़र आ रही है। इस इक्वेशन का सोल्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? इसमें भी आपने सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज़ राइट कर लेना है, एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 7, ठीक है। ये 4 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद टर्म का होल डिनोमिनेटर है, इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर 4 डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसको किस तरह से राइट किया जाएगा? एक्स माइनस 5 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4। लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक्स माइनस 5 है ये एज इट इज़ रहेगा, जबकि 7 और 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 28। सिमिलरली अब आपको सिर्फ एक्स चाहिए, 5 माइनस 5 है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 5। तो किस तरह से राइट करेंगे? एक्स इज इक्वल टू 28 प्लस 5। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 28 और 5 को ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 33। यही इस इक्वेशन का क्या है? सोल्यूशन है। होप सो स्टूडेंट्स, आपको अब तक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आ चुकी होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14 और 15 आपका होम टास्क है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करके इनकी पिक्स स्कैन करके मुझे सेंड करनी है, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस किस हद तक समझ आ चुकी हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।